उत्साह पूर्वक मतदान हो रहा है और काफी संख्या में मतदान हो रहा है और उम्मीद है सब अच्छा होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी दुकानदार हो, शॉप वगैरह हो, ऑफिस वगैरह हो, कि आज के दिन एक दिन या तो हाफ डे या तो किसी सभी को छुट्टी मिलना चाहिए ताकि किसी का वोट वेस्ट ना जाए। बहुत लोगों का ऐसा वोट है कि वो खाली चले जाता है, नहीं आ पाते, लेट हो जाते हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत होता है। समय का वही है कि भाई लोग जो है अंदर से तो त्रस्त है, पहले कोई भी पार्टी आए अंदर से तो दुखी है। अच्छा लगा आपको वोट लग रहा है? हाँ, हाँ, तो क्या करेंगे, जब तक जी रहे देना पड़ेगा ना। है कैसा अनुभव कर रहे हैं वोट देकर? अच्छा लग रहा है, मोदी जी को जिताना है फिर से। क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो देश में बहुत काफी अच्छा है और 10 सालों में हमने काफी डेवलप देखा भी है। देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए और जो हमारे विजमन भी है वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए। ये देख रहे हैं आप लोग, मतदान के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं। जय जोहार छत्तीसगढ़, आप बंद करता न्यूज 72, न्यूज 72 आज ये राजा तालाब फॉरेस्ट ऑफिस मतदान केंद्र पर आई हुई है। यहाँ काफी गहमा गहमी है, काफी भीड़, महिलाएं पुरुषों की संख्या काफी आप देख रहे हैं और ये मतदान स्थल 150 से 149 है, 154, 153, 152, 151, 150, 149 चुनाई तैयार के बेरा में हम धावत हन ये मतदान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। काफी गर्मी है और तापमान काफी बढ़ा हुआ है, फिर भी मतदाताओं को तापमान रोकने में असफल है। हम सीधे यहाँ पर जो मतदान करने आ रहे हैं उन्हीं से जानेंगे कि क्या स्थिति है, कैसा अनुभव कर रहे हैं वे मतदान करके यहाँ, क्योंकि जो पहली बार मतदान कर रहा है वो भी आया हुआ है, युवा वर्ग भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, हम सीधे आपको उनसे रूबरू कराएंगे। कहाँ से आए हैं अम्मा जी आप? ये राजा तालाब से आए बेटा। कब से वोट कर रही हैं आप? जब से वोट आया जब से था। क्या नाम है आपका? नूर जहां खान। कैसा अनुभव कर रही हैं मतदान करके? कैसा अनुभव? बहुत अच्छा। आपका क्या नाम है? जावेद खान। कैसा लग रहा है आप? कौन सी बार है ये मतदान? ये 31 साल की उम्र हो गई है। और कैसा अनुभव, फील कैसा कर रहे हैं? बहुत अच्छा है। बहुत लाइन, कब से आना पड़ा यहाँ, लाइन लगानी पड़ रही है? नहीं नहीं, बस शॉप से आया हूँ, खाना खा के उसके बाद सीधा अपना वोट डाले चले। एक बार परिचय बता दें। नाम? जावेद खान। जावेद, और भी मतदाता यहाँ पर आए हुए हैं। हम क्या नाम है आपको बताओ? मेरा नाम संजय वर्मा। वर्मा जी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप मतदान करके? अच्छा अनुभव कर रहे हैं सर, बहुत उत्साह पूर्वक मतदान हो रहा है और काफी संख्या में मतदान हो रहा है और उम्मीद है सब अच्छा होगा। ये कौन सा चांस है आपका वोटिंग का? तो मेरा 20-25 साल हो गए, 25-30 साल हो रहा है दादा। एक बार नाम बता दो। मेरा नाम संजय वर्मा, राजा तालाब। नाम बताइए सर। सर अजय राजकुमार नाम है मेरा। राजकुमार जी कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी गर्मी है, लाइन लगाना पड़ रहा होगा। सीनियर सिटीजन है सर हम तो। क्या क्या उम्र है आप तो, यूथ लग रहे हैं। 63। ये से नाम बताओ? अजय कुमार राजकुमार। अजय कुमार राजकुमार जी, और भी लोगों से हम मिलेंगे और उनका अनुभव आपके बीच साझा करेंगे। आप देखते रहे न्यूज 72। ये आप लोग देख रहे हैं किस तरह की तैयारी है, छाए के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। देख रहे हैं आप लोग मतदान में लेकर काफ़ी उत्साह लोगों को देखने को मिल रहा है। आज रायपुर लोकसभा के लिए यहाँ पर मतदान चल रहा है। ये आप लोग देख सकते हैं किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर, लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, इतनी धूप में भी लगातार लोग निकले हैं लोकतंत्र के इस त्यौहार में अपनी सहभागिता देने।
लोग लगातार पहुंच रहे हैं। हम और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये देख रहे हैं आप लोग, मतदान के लिए लोग लगातार पहुंच रहे हैं और कितनी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं मतदान के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। रायपुर में किस तरह का माहौल आप लोगों को दिखाते हैं थोड़ा, देख रहे हैं आप लोग लगातार लोग पहुंच रहे हैं। इतने 43 डिग्री टेम्परेचर में लगातार लोग पहुँच कर मतदान कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप लोग कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, तेज गर्मी को देखते हुए यहाँ पर सेट लगा दिया गया है पूरा। 72 आज सिविल लाइन ये छत्तीसगढ़ क्लब मतदान स्थल बनाया गया, बूथ यहाँ बनाया गया है। हम यहाँ युवा मतदाता, क्या नाम है आपका? सागर तांडी जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप वोट देकर? ठीक लग रहा है, अनुभव तो है पहले भी। क्या रुझान है? अब देखो पता चलेगा कौन आएगा कौन नहीं, जिसकी भी सरकार आए अच्छे से काम करे बस। कहाँ रहते हैं आप? सिविल लाइन में। कहाँ? आकाशवाणी में। ये सागर, क्या नाम है आपका? टांडी। आईपी बूथ केंद्र है और छत्तीसगढ़ क्लब के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ के मतदाताओं से हम जानेंगे, क्या नाम है भैया आप, कहाँ रहते हैं? अब वही तो बताना है सर, क्या नाम है आपका? जी गौरव। गौरव जी कहाँ से आए हैं? यहीं से। यहाँ कहाँ? सिविल लाइन में। कहाँ रहते हैं? बंसी नगर में जी। कैसा अनुभव कर रहे हैं वोट करके? अच्छा, वोट अभी किया नहीं, करूँगा अभी। किसका माहौल है? माहौल किसका है? माहौल तो मोदी जी का ही होना चाहिए। माहौल मोदी जी का होना चाहिए। क्या नाम बताए? गौरव। गौरव जी, पूरा नाम बताओ। गौरव आदवानी। आपका? राजेंद्र प्रजापति। प्रजापति जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? अनुभव तो समझो भैया ही आ रहे हैं, वीरेंद्र मोहन भैया। अनुभव अच्छा है? बढ़िया, जोरदार। और भीड़ लगी हुई है, कितने बार, ये कौन सी दफा है आप वोट करने आए? मेरे को ये चौथा बार हो गया। चौथा बार। कहाँ रहते हैं? सिविल लाइन उत्कल नगर। सिविल लाइन उत्कल नगर। हम जो वोट करके आ रहे हैं, हम उनकी भावनाओं को जानेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या माहौल है। क्या नाम है गुड़िया? प्रियंका कुमार। कैसा, पहली बार वोट करने आए हैं? सेकंड टाइम। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लगा आपको वोट देके। ठीक लग रहा है? हाँ ठीक। कहाँ रहती हैं आप? पंसिल नगर में। क्या लग रहा है माहौल, युवाओं का रुझान किस बार? होगा जिसका भी जीत होगा, जिसको भी, लेकिन वोट करने में मजा आया। वोट करने में तो मजा आया माता। हम उनसे जानेंगे कि वोट करके कैसा अनुभव कर रहे हैं। नमस्कार जी, कहाँ रहती हैं आप? पंसी नगर में। हाँ। काफी तकलीफ है, क्या है प्रॉब्लम? तकलीफ बहुत है ना, चल नहीं सकती। वोट करने लेकिन आना पड़ा है? हाँ, तो क्या करेंगे, जब तक गिरे देना पड़ेगा ना, है ऊपर जाएंगे तो थोड़ी दर्द देने आएंगे, क्या जीरे का माहौल है इस बार? हाँ। माहौल किसका है? अब सरकार का है, किसका है? किसकी संभावना दिख रही है? मोदी का संभावना दिख रही है। क्या नाम है आपका? विमला दीप। कहाँ रहती हैं? पंसी नगर। आपका नाम? भुवने जगत। भुवने जगत कहाँ रहते हो? पंसी नगर। वोट कर लिए आप? वोट कर लिए? कर लिए। कौन सी दफा वोट की है? तीसरे बार। हाँ। कैसा अनुभव कर रहे हैं वोट देकर? अच्छा लग रहा है, मोदी जी को जिताना है फिर से, अच्छा लग रहा है। आप उनकी तरह से मैं बता मोदी जी कैसा बहुत वोट दे दिया? बिल्कुल दे चुका मैं वोट। क्या नाम है आपका? करण बघेल। करण बघेल जी, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो देश में बहुत काफी अच्छा है और 10 सालों में हमने काफी डेवलप देखा भी है। देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही आना चाहिए और जो हमारे विजमन भी है वो भी बहुत कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, काफी अच्छे व्यक्ति है। कहाँ रहते हैं आप? आकाशवाणी जी। ये सब आकाशवाणी के युवा मतदाता हैं और अपने विचार रख रहे थे। हम पीछे हमारे वरिष्ठ हैं, क्या नाम है? केपी राजपूत। राजपूत जी, क्या माहौल है? अच्छा है माहौल, अच्छा है, वोटिंग अच्छी हुई है, काफी अच्छी वोटिंग है। और मैं तो अभी मंत्रालय से मतलब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, डिप्टी सेक्रेटरी से। अच्छा जी। हाँ तो क्या रुझान दिख रहा है, क्या वोटिंग के ऊपर है?
है ना, जैसे भी परिणाम आएंगे अच्छे ही आएंगे। अच्छे हाँ श्योर, और वोटिंग काफी अच्छी हुई है। कहाँ रहते हैं आप? मैं जी चंगन में। जी चंगन सिविल लाइन। सिविल लाइन हाँ। आप देखते रहे, और भी हमारे साथ महिलाएं जुड़ रही हैं, महिलाओं से हम जानेंगे इस बार महिलाएं वोट करके आ रही है। महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है इस बार। हमारी बहन आई है वोट करके, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है बहन आपका? ललिता टांडी। टांडी जी कैसा लग रहा है वोट करके? बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार वोट कर रही है? नहीं नहीं, मैं हो चुका है मेरा वोटिंग बहुत बार। क्या नाम बताया? ललिता टांडी। टांडी जी कहाँ रहते हैं? उत्कल नगर। उत्कल नगर। अम्मा जी कैसा लग रहा है वोट कर ली? बहुत अच्छा। हाँ हम भी वही रहते हैं उत्कल नगर। उत्कल नगर में कैसा लग रहा है माहौल इस बार? बहुत अच्छा। कहाँ से हैं आप? जी मैं जलविहार से हूँ, रायपुर से। जी जी ये कौन सी बार वोट करने आए आप? ये जो है 21 साल से वोट दे रहा हूँ जी, हर बार आप वोट देते हैं जी। माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो अच्छा लग रहा है, जैसे बाकी जो है इस बार से वोट देने वाले जैसे इतना प्रचार होने के बाद भी कमी दिख रही भीड़, तो ऐसे छठ छठ की भीड़। आप काफी पढ़े लिखे लगते हैं जी, शहरी क्षेत्र में हमको देखने को मिलता है ये। हर बार के चुनाव में मतदान काफी लोग नीरस दिखते हैं, मतदान नहीं करते शहरी क्षेत्र में, वहीं आदिवासी अंचल में हम देखते हैं काफी ज्यादा लोग पढ़ चढ़ के। इसका क्या कारण? इसका मन में जो है भावना है कि भाई जो भी राष्ट्रीय पार्टी आती है या जो लोकल नेता रहता है वो लोगों के लिए जो है उतना डिवोट नहीं कर पाता, उतना समय नहीं दे पाता, उनके कार्यों को नहीं कर पाता, इसलिए मन में जो है एक भावना रहती है कि भाई हमको अपना समय क्यों वेस्ट करना है जब जो है सरकारी हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है तो। हाँ, और आजकल संघर्ष का समय है, हर आदमी अपने अपने कार्यों में लगा हुआ है, तो इसलिए जो है आदमी सोचता है कि क्यों अपना समय वेस्ट करें, जैसे जो है मतदान करने का समय का वही है कि भाई लोग जो है अंदर से तो त्रस्त है ही, पहले कोई भी पार्टी आए अंदर से तो दुखी है ही। बाद में वो लोग अपनी बातों को रखते हैं, जहाँ पर मतदान करना चाहिए और अपना बात को रखनी चाहिए। एक प्रजातंत्र में बहुत अच्छा माध्यम है, आप वोट करके आप जीते चाहते हैं सरकार लाए। बात आपकी सही है जी, जो है ऐसे ही होना चाहिए, मगर जो है मानसिकता जो है अभी भी हमारी जो है वैसी पिछड़ी हुई है ना, लोग सोचते हैं कि भाई जो है क्यों अपना समय खराब करें। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि भाई अपना मतदान का आप अपना गोपाल अग्रवाल जी। गोपाल अग्रवाल जी, ये गोपाल अग्रवाल जी थे, काफी पढ़े लिखे हैं और काफी अपने विचार रखे थे शहरी क्षेत्र में मतदान कम होने के बारे में। क्या नाम है छोटू? वोट करने गए? हाँ, ये मतदान केंद्र है 175। कितना बूथ है यहाँ? हम छत्तीसगढ़ क्लब, जहाँ पर बूथ यहाँ मतदान स्थल बनाया गया है, और हम वहीं जानेंगे कर्मचारी से। कितने बूथ हैं यहाँ? 3 बूथ हैं सर। कौन कौन से बूथ हैं? 174, 175, 176। आसपास में कैसा रहा अभी सुबह से मतदान? अभी ठीक ठाक है। ठीक है, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? हम लोग बीएलओ हैं, बाकी व्यवस्था तो व्यवस्था वाले देखेंगे। बीएलओ के क्या कार्य क्या होते हैं थोड़ा बताइए, लोग समझते नहीं है, इधर उधर भटकते हैं, थोड़ा विस्तार से बताएं। पर्ची देना होता है, जो इधर यहाँ से जो क्षेत्र में निवास रहते थे और स्थानांतरित होकर चले गए हैं वो लोग वापस आते हैं तो उनको पर्ची देते हैं। मुख्य काम ये? हाँ। और काम? बस वही काम। ठीक, क्या नाम बताया? रामलाल साहू। रामलाल साहू। साहू जी, हमारे साथ मैडम लोग भी हैं, आप लोग क्या काम देखते हैं यहाँ? वही सर, बीएलओ ही है, हम लोग बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं जी। मेरा बूथ है 174 और वही देख रहे हैं, जैसे शिफ्टेड है यहाँ से, पहले बहुत लोग पहले यही रहते थे, अब शिफ्ट हो गए हैं जी। तो उन्हीं का पर्चा हम लोग को वापस उनको देना पड़ता है, क्योंकि वो आते हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि अब जागरूक हो चुके ना, अपना वोट ना वेस्ट नहीं करना चाहते, सब डालना ही चाहते हैं, तो बस और वही है काम। क्या नाम है? मीरा जी। मीरा, आप? अमृता भोसले, मैं भी बीएलओ ही हूँ। बीएलओ ही है, 3 बीएलओ को यहाँ। ये छत्तीसगढ़ क्लब है और काफी वीआईपी एरिया, सिविल लाइन के आसपास के लोग यहाँ पर मतदान करने आते हैं। हम बीएलओ ऑफिसर तो लोगों से हमने जाना और मतदाताओं से जानेंगे यहाँ पर क्या माहौल है और कितना परसेंट मतदान हुआ है, अंदर जाना। ठीक, न्यूज 72 छत्तीसगढ़ क्लब, जहाँ पर मतदान स्थल 174, 175, 176 तीन बूथ हैं यहाँ पर, और युवा वर्ग खासकर यहाँ मतदान करने आया हुआ है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हेमंत भारती। हेमंत भारती।
पहली बार वोट करने आए? नहीं नहीं हो गया, मेरे को 5 साल हो रहा है। कहाँ रहते हैं ये? सिविल एंड उत्कल नगर। कहाँ? सिविल एंड उत्कल नगर, सिविल कॉलोनी। आप जी? सिविल एंड उत्कल नगर। क्या नाम है आपका? दुर्गेश बघेल। कैसा अनुभव कर रहे हैं वोट करके? बस बहुत अच्छा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी दुकानदार हो, शॉप वगैरह हो, ऑफिस वगैरह हो, कि आज के दिन एक दिन या तो हाफ डे या तो किसी सभी को छुट्टी मिलना चाहिए, ताकि किसी का वोट वेस्ट ना जाए। बहुत लोगों का ऐसा वोट है कि जो खाली चले जाता है, नहीं आ पाते, लेट हो जाते हैं, इस वजह से बहुत दिक्कत होता है। मैं ये चाहता हूँ सभी से, दुकानदारों से, ऑफिस में जो भी अपने स्टाफ वगैरह है, उनको आधा दिन या एक दिन का छुट्टी दीजिए, ताकि वो अपना वोट दे सके। क्या नाम बताया आप? हेमंत भारती। हेमंत भारती ने अपने विचार बहुत अच्छे रखे कि प्राइवेट सेक्टर में जो कर्मचारी होते हैं, जो मजदूर का काम करते हैं, सेल्समैन का काम करते हैं और भी कार्य करते हैं, उनको एक हाफ डे की छुट्टी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपने वोट का वोट अधिकार का उपयोग कर सकें, मतदान का उपयोग कर सकें। आप देखते रहें न्यूज़ 72।